पर नितिन यस हाय मैम हाय गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम सो मेरा सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर सो आई हैव 16 शेयर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज बाय प्राइस है 1353 ओके सो आई वांट टू नो कि शुड आई वेट और बुक माय लॉस एंड लीव द स्टॉक सो नितिन आपने जब लिया था तो कितने समय तक रहने की मंशा बनाई थी आपने शॉर्ट टर्म के लिए रखने के लिए सोचा था या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जी मैम उस वक्त मेरा नजरिया मतलब एक महीने या दो महीने का था सिर्फ बट इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम नाउ सो चलिए आपकी परेशानी यहाँ पर काफ़ी वाजिब भी है तो रवि 1353 इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ऊपर है लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड प्राइस में ही जो है स्टॉक मूव हो रहा है क्या और रुकने में इनको इनका भाव मिल पाएगा या आपको लगता है कि फिलहाल ये एवरेज कर लें देखिए फिलहाल तो अभी इस समय अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो थोड़ा सा पुल बैक जरूर आपने बिल्कुल सही बताया कविता जी यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन थोड़े लंबे समय के हिसाब से अगर देखते हैं तो रिटर्न जस्टिफाई नहीं होंगे तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप इमीडिएट आप निकलिए या फिर यहाँ पर एवरेज करिए हाँ एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1020 का अगर 1020 के नीचे जाता है स्ट्रेटेजी बिल्कुल ध्यान से सुनिए 1020 के नीचे जाता है तो आपको अपनी ट्रेन बदलनी है आपको जाना है टाटा मोटर की तरफ जो भी रेट होगा 1020 के नीचे जाने के बाद टाटा मोटर की सवारी कर लीजिएगा टाटा मोटर में अच्छा खासा दमखम है जल्दी हम 1250 के लक्ष्य वहां पर देखते हुए नजर आएंगे आपका लॉस भी रिकवर कराएगा प्रॉफिट भी देगा तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर थोड़ी सी आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है अब आते हैं कि अभी करंट लेवल से कितना बढ़ेगा करंट लेवल से भी अगर 100-150 रुपए का अपवर्ड मूव आ जाता है यानी कि 1100-1120 के आसपास आ जाता है तो एक बार को एग्जिट हो जाइएगा लेकिन एग्जिट होने का मतलब लॉस नहीं बुक करना है आपको टाटा मोटर की सवारी करनी ठीक है तो ये है सलाह टाटा टेक पर और उससे बेटर टाटा मोटर्स ज़्यादा बेहतर लग रहा है आप वहाँ पर नज़र रख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें YouTube पर भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं नकुल गुप्ता जी ने सवाल भेजा है DCB बैंक पर 70 शेयर्स इन्होंने 153 पे लिया है 153 पर लॉन्ग टर्म व्यू है स्टॉक में इनका सौरभ जी क्या सलाह होगी नुकसान में है फिलहाल तो ये 124 पर स्टॉक कारोबार कर रहा है इन्होंने खरीदारी 154 पे की थी थोड़ा ऊपरी लेवल्स पर यहाँ पे इन्होंने एंट्री ले ली थी तो लंबा समय दे तो क्या फिर कुछ मुनाफे में आने की चांसेस हैं या फिर कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए स्टॉक से DCB बैंक में जी पूजा जी मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इसमें बिल्कुल बने रहें एवरेज और ना करें बैंकिंग क्षेत्र वैसे काफी अच्छा लग रहा है मुझे लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ और भी आएगी क्षेत्र में भी आएगी और DCB बैंक एक ठीक सा बैंक है छोटा बैंक है तो मैं समझता हूँ आप इसके साथ जरूर बने रह सकते